हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का मॉडल पेपर, लास्ट मॉडल पेपर यानी सेट डी। ठीक है, फोर्थ सेट है ये। तो इससे पहले भी हमने 3 सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम तीनों सेट का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो अब देखिए, आपका लास्ट पेपर ये बहुत अच्छे से जाना चाहिए, अच्छे से तैयारी करिए। आप अपनी परीक्षा बोर्ड से भी पढ़िए, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर यानी 2019 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन पेपर या फिर 22 तक के क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से कम्प्लीट करिए। इसके बाद ये मॉडल पेपर से भी आप कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आपका एनी हाउ 65 के अराउंड नंबर आएगा ही। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप रिवीजन बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेक्शन का जो क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो IUEF का पूरा नाम लिखना है आपको। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंस्ट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशंस। ठीक है, फिर दूसरा है कपास में स्थानांतरित कीट रोटी रोधी प्रोटीन नाम लिखना है, तो क्या होगा, क्राई प्रोटीन। ओके, ये छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक का प्रश्न है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, तो जितने भी अब ये छत्तीसगढ़ बैंक वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ओके, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप BSc नर्सिंग या फिर PPST या फिर एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। हम आपको सारी नॉलेज देंगे, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी कि कब फॉर्म आएगा। ठीक है, किस प्रकार से पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। लास्ट ईयर भी हमने तैयारी कराया था, उसमें से काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लीजिए। यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन यानी आपका यहाँ से 3 मार्क्स का स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चंस। ओके, तो ये सब यहाँ भी देखिए प्रश्न बैंक वाले क्वेश्चन हैं। लैंगिंग एवं अलैंगिक जनन में कोई 3 अंतर लिखना है आपको, तो कम से कम 6 याद करके जाइए जिससे कि आप 3 अच्छे से लिख पाएँ। 3 या 4 लिख लीजिए आप। तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि देखिए बायोलॉजी का पेपर ज़्यादा कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये हर साल दो में से कोई एक पेपर थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी का नहीं आता। बायोलॉजी और मैथ का मतलब पैटर्न चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप पैटर्न ब्लूप्रिंट के हिसाब से बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं इस मॉडल पेपर की सहायता से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी समय है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि आपका 65 के अराउंड मार्क्स आ सके। अब देखिए जो लास्ट सेक्शन है वो यानी यहाँ से आपका जो 3 क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको 5 मार्क्स में मिलेगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी इसको डिटेल से आपको बताना है पॉइंट वाइज। राइट, आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने जो 3 सेट है यानी ABC उसका हमने अपडेट कर रखा है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, तो ये सेट भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, जिसकी जो प्रॉब्लम रहती है उसका सॉल्यूशन भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी जो भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेशक आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट इधर का ये 25 नंबर का क्वेश्चंस देख सकते हैं आप यहाँ। ओके, नेक्स्ट, फिर अब इसके बाद DNA के बारे में दिया हुआ है। DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेस ने DNA व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया उसे बताना है आपको यहाँ पास। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे।
हर्षे ओम चेस के प्रयोग का निरूपण दिया हुआ है यहाँ पास, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप इसको। इसका जो नॉमिनेट है यानी नामांकन जो करना है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार, कारण और कैंसर रोग के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। कुछ चीज़ें आप इसमें अपने से भी मिलता जुलता लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक बार अच्छे से याद कर लें और इसके नेम को याद रखें तो आप थोड़ा सा अपने शब्दों में भी यूज़ कर सकते हैं उसको लिख कर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इस प्रकार से, लेकिन डायग्राम बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। मनुष्य में कैंसर उत्पन्न होने की विभिन्न अवस्थाएं दिया हुआ है, ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पास, ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इधर ये यहाँ पास स्टेजेस हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अब आगे का देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके पास मिलेगा फिर इसका, अवस्थाएं हैं, उपचार है, है ना, इसे आपको लिखना है। फिर अथवा में दिया हुआ है व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट होता है, ये आपका चारों सेट आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। तो आप बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, राइट। बहुत अच्छे से आप लिखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और जो भी होगा हम आपको बता देंगे जो भी डाउट होगा तो। और इसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो आप वहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को भी। ओके, थैंक यू एंड गुड लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।